बयां कर रही है। आज आज़ादी का त्यौहार है, आज मनाया जा रहा है। किस तरह से अगर देखा जाए ऑटो चालक के द्वारा बहुत लोगों को सेवा मिलता है, और आज देखिए किस तरह से ऑटो के द्वारा तिरंगा का रैली निकाला गया है, तिरंगा रैली निकाला गया है। इसका क्या उद्देश्य है, आइए सभी टेम्पू चालक महोदय से मिलेंगे, बात करेंगे। ये कहाँ से आरंभ हुआ है और कहाँ तक जाएगा? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्रीमान जी बताइए कहाँ से स्टार्ट किए हैं और कहाँ तक लेकर जाएंगे? और अपने सूरत से ब्लड से सब निकले हैं, हल्दरपुर थाना से होते हुए जाएंगे पटवा तक लेंगे। यहाँ से आप जिस तरह से मैसेज देना चाहते हैं इस आज़ादी के दिन पे, कि किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं? जो भारतीय उनको साथ में सबको लेकर करना चाहिए, झंडा हर घर फैलाना चाहिए, यही हमारे अखंडता को बरकरार रखने के लिए खास तौर से आप ऑटो रिक्शा जितने भी आपका स्टाफ है सबको लेकर के निकाले हैं, आप ऑटो रिक्शा लेकर के निकले हैं मार्केट में, आप सबको बता देना चाहते हैं कि हम भी नाकम नहीं है, हम लोग भी अखंडता को बरकरार रखने के लिए हम लोग भी एकता बनाए रखे हैं। एकता बनाए रखे हैं सब भारतीय समाजवादी अपने आप चले भैया इनको लीजिए। ये देखिए बड़े खुश है, आज आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस वर्षगांठ के खुशी में कितने आज तक आप लोग देखे होंगे बहुत आजादी मनाते हुए, आज जगह जगह पर झंडा फहराया जा रहा है, लेकिन आप ऐसी चीज दिखाए जा रहे हैं जो आज पहली बार देख रहे हैं। ये ऑटो रिक्शा बंधुओं के साथ अपना एकजुट बनाकर ये साबित कर दे रहे हैं कि भाई मैं भी इस भारत के नागरिक है और मुझे भारत ही होने का गर्व है। हम लोग सभी ऑटो चालक मिलके और ये भारतीय सम्मेलन के लिए हम लोग चल रहे हैं, और हमारी सोच ये है कि सभी ऑटो चालक से निवेदन है कि इसी तरह हर साल अपना रिक्शा बनाए रखें और झंडा का इज्जत मर्यादा करते रहें। धन्यवाद द्वारा ये जो यात्रा निकाला जा रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये बहुत खुशी की बात है कि अपने अखंडता को बचाए रखने के लिए, एकता को बचाए एकता को बनाने के लिए एक मैसेज दिया जाता है। अच्छा भैया आप लोग क्या सोचकर क्या मन में ठान करके आप लोग एकता एक साथ इतने ऑटो चालक हैं, इतने ऑटो के साथ आप लोग कहाँ से कहाँ तक लगाए हैं, इसका क्या मतलब क्या बताना चाहते हैं? सभी लोग इनके पैदल भी जा सकते हैं। नहीं, हम लोग ऑटो वाले हैं, ऑटो का हम लोग का ये था कि 75वां सालगिरह मनाया जा रहा है, उसी के अवसर पर हम लोग भी सोचे हैं कि हम लोग भी एकता के लिए मनाएं और उसको दिखाएं कि हम लोग भी एकता है। ये देखिए भैया का यह कहना है कि भाई आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन हम लोग इस 75 वर्ष मेरा भारत आज़ाद हो गया, इस आज़ादी के शुभ अवसर पर हम लोग ये आप लोगों को दिखा रहे हैं। ऑटो चालक बंधु पूरे जुट के साथ हुजूम के साथ ये जलूस आपको एक नज़र में दिखाया जाएगा। आप लोग भैया ऑटो चालू कर लीजिए, हम आ गए हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से ऑटो से ये झंडा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, तिरंगा यात्रा से मैसेज दिया जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी ऑटो चालक किस तरह से अपना लाइफ को निकाल रहे हैं, वो नागरिकता को गायब रखने के लिए जहाँ पे साथ के साथ
हाथों से आज देख सकते हैं कि एक लाइन से एक कतार में हाथों से किया रहा है द्वारा ये रैली संपन्न किया जा रहा है।